फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चैनल द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट वन एकेडमी ग्रुप फ्रेंड्स, दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक शानदार जबरदस्त एक बहुत ही खास सेशन जो कि मिसिंग नंबर पर बेस्ड होगा। आप सभी लोगों को पता है कि ये वो टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों आपको बहुत परेशान करते हैं और मैं आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर हाजिर हूं टॉपिक वाइज टॉपिक्स, एक एक करके उन सभी क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आए हैं और जो आप लोगों को परेशान करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग भी डटकर उनका सामना करेंगे और डेफिनेटली उन चीजों को सीख कर रहेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार है? वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है? सभी का तहे दिल से वाम वेलकम गाइस इस जबरदस्त शो के अंदर एक बार फिर से। तो स्वागत है, वेलकम इन दी वर्ल्ड ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग संसार में मेरे सभी भाइयों का यहाँ पर स्वागत है गाइस, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले इस मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे जो है आ जाए। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। क्या बोल रहा है? न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सफल हुए या असफल। सच्ची सफलता कोशिश करने में है। तुम्हारी असली सफलता पता है क्या है? कि तुम मन लगाकर पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में आप लोग कोशिश करिए। आगे क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में क्या है? सिर्फ मेहनत करना कि तुमने कोशिश बहुत ईमानदारी से करी थी। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर वास्तव में आप कोशिश ईमानदारी से करें तो सफलता आपकी कदम चूमेगी, ये डेफिनेटली श्योर है, ठीक है। तो इन सभी चैनल्स को आप लोग जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे जो है आप लोग टेलीग्राम पर दोस्तों फॉलो कर लेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी पर भी मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे, दीपक तीर्थयानी के नाम से आप लोग मेरी प्रोफाइल को सर्च करेंगे और अनअकैडमी पर फॉलो कर लेंगे गाइस, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो है सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, तो आप लोग दीपू 10 रेफरल कोड लगाकर उनको बता सकते हैं अपने दोस्तों वगैरह को। इसके अलावा दोस्तों दीपू 10 रेफरल कोड लगाकर आप अनअकैडमी पर मौजूद किसी भी कैटेगरी में कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं, चाहे वो एसएससी कैटेगरी हो, रेलवे कैटेगरी हो, एयरफोर्स हो, कुछ भी हो, आप लोग दीपू 10 रेफरल कोड लगाकर ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज और दोस्तों यहाँ पर सुनिएगा, दीपू 10 रेफरल कोड जब आप लगाएंगे दोस्तों तो एसएससी सीजीएल कैटेगरी के अंदर आपको एक जबरदस्त बैच दिखेगा जो कि आपके सामने है स्क्रीन पर, ये देखिए, ठीक है। एसएससी 2020-21 100% स्टडी 100% सिलेक्शन, यूज कोड दीपू 10 नॉन वर्बल रीजनिंग का ये बैच है जो कि 12 जून से यानी कि आज से ही चालू हुआ है दोस्तों। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास थी और आप उन पेड क्लास के स्टूडेंट से पूछिए कि उनका जो पढ़ाई का स्तर है या उनका जोश और जो जुनून है वो किस लेवल पर है, वो किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक अंदरूनी ताकत यानी कि मोटिवेशन तो मिलेगा ही मेरी बैच के अंदर। दूसरी सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है ना दोस्तों, वो है आपको बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक ये बैच मिलेगा, ठीक है। अब एक बैच नहीं मिलेगा, ये एक बैच नहीं है, ध्यान से देख लेना। इधर नॉन वर्बल रीजनिंग का जो बैच है उसका टाइमिंग है 8 AM मॉर्निंग 8 AM पे ये क्लास होगी। इसके अलावा दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग भी मैंने चालू करी है, ठीक है। आज ही मैंने लॉजिकल रीजनिंग का बैच भी चालू किया है जिसका टाइमिंग जो है, जिसका टाइमिंग कुछ इस तरीके से, इस टाइमिंग यानी इस समय जो आपकी क्लास होगी वो होगी 11 बजे, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया टाइमिंग आप लोगों के लिए सुबह जो है दोस्तों, ये आप देख लेंगे सुबह, ये रहा आपके पास में, सुबह 8 बजे आपका नॉन वर्बल रीजनिंग और 11 बजे आपकी लॉजिकल रीजनिंग। तो दोनों रीजनिंग अपनी चालू हो चुकी है दोस्तों, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ये एक ऐसा बैच होगा दोस्तों जो पूरे महीने भर चलने वाला है, यानी लगभग 35 क्लास ऑफ ईच कोर्स, ठीक है। 35 क्लास होगी, 35 क्लास में मैं आपको सिर्फ नॉन वर्बल पढ़ाने वाला हूँ, 30-35 क्लास के अंदर मैं सिर्फ आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि किस लेवल पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको बाकी टीचर्स या फिर पहले की तरह 5-10 दिन में इन चीजों को खत्म करने नहीं वाला हूं। मैं पूरे महीने भर आपको लॉजिकल रीजनिंग, पूरे महीने भर नॉन वर्बल पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि आपको कंप्लीट सिलेक्शन दिलाना है और 20,000 क्वेश्चंस कराने। तो आज ही बैच को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों विदाउट स्पेस। आप लोगों को एक साथ दीपू 10 रेफरल कोड लगाना है। और भैया आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें चालू हो जाएगी हाई लेवल तक, तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों आज रात को 9 बजे और 10 बजे, आज रात को 9 बजे एसएससी एग्जाम कैटेगरी में धमाकेदार क्लास होती है, ठीक है, और फिर 10 से 11 रेलवे एग्जाम कैटेगरी में अपनी क्लास होती है। तो दोनों क्लासें आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी। पीडीएफ आप लोग जो डाउनलोड करेंगे वो दीपक सर वाईफाई स्टडी इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने ये आ चुका है और आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बता दें, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कल समझाया था, याद है, 18 + 17 + 9 - 6 कर दिया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 35 तो यही हो गया, 38 बनाना है, तो दोनों का डिफरेंस ऐड कर दो, कितना हो गया 38। ऐसे ही इसको देखो, 11 + 11 + 19 - 9 22 + 10 ये कितना हो गया 32। लास्ट वाला करता हूं मैं इसी तरीके से, 12 + 8 + 20 - 9 12 और 8 कितने हो गए 20 हो गए, 20 + 11 = 31, 31 इसका आंसर, क्या आंसर आ रहा है 31। अब देखो ये एक संख्या, अगर इस संख्या को देखें तो ये कितनी बड़ी संख्या दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रही है और ये छोटी छोटी संख्या है, तो सबसे पहले तो इन छोटी छोटी संख्याओं को ऐड करिए, 7, 8 और 9 इनको ऐड करके देखिए एक बार क्या बनेगा, ये हो गया 24, ठीक है। लेकिन 29 बनाना है तो 24 में आप लोग 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से दोस्तों चीजों को देखिए आप, ये एक बड़ी संख्या है 38, पर ये छोटी छोटी संख्या है, कौन सी, 10, 11 और 12, तो इसको देखिए 10, 11, 12 ये हो रहा है 33, 33 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, ये 29 हो रहा है, ये 38 हो रहा है। फिर अगला देख लो ऐसे ही, 13 + 16 + 11 13 16 11, अब इसके अंदर क्या जोड़ दें, ठीक है, ये हो गया 40, ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 हो गया, सही है, 40 में अब आगे क्या जोड़ दें, इसमें भी 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 45, 45 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। मजा आ रहा है दोस्तों, सिंपल सा है, सभी के अंदर जोड़ के प्लस 5 किया हुआ है। अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है भाई, ये एक वो वायरल क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम को टच कर चुका है आपका, चाहे सीपीओ का एग्जाम हो, चाहे आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो, आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सभी के अंदर भैया कॉमन क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, एक क्या है ये कॉमन क्वेश्चन, चेक करिए, ये देखिए इसको करते हैं, पहला बनेगा 3 × 5 × 3 = 15 + 2 कितना हो गया 17, फिर ऐसे 8 + 3 = 24 + 5 कितना हो गया 29 हो गया, फिर ऐसे 7 × 6 = 42 42 में क्या जोड़े कि ये 51 हो जाए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 51 - 42, x की वैल्यू आ गई 9, 9 इज द करेक्ट आंसर, क्या आंसर आ जाएगा 9। अगला देखिए, ये 12 या 8, 12 का स्क्वायर 144 होता है, अब 144 में से 8 का स्क्वायर माइनस कर दें तो देखो 144 में से अगर 64 को माइनस कर दे दोस्तों तो 80 आ जाएगा, तो जल्दी से लगा के बता दो फटाफट से इसमें क्या लॉजिक बनेगा, 25 का स्क्वायर - 21 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 - 441 कितना आ जाएगा, ये 4 कितना आ जाएगा भाई 4, फिर 12 में से 4 जाएगा तो 8,
और पांच में से चार जाएगा तो एक, 184। क्या आंसर आ गया भाई? 184 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से डू फास्ट गाइज, डू फास्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, मस्त तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है भाई। कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? देख लो आप, खुद देख लो। यहां पे देखिए स्क्वायर में टर्म दे रखी है, तो पहले सिंगल टर्म कन्वर्ट करो इनकी, इसके ऊपर रूट लगा दो, कितना हो रहा है? रूट 25 क्या होगा? 5, 4, 9 और 1, इसको जोड़ो कितना हो रहा है? ये हो रहा है 19। तो 19 का स्क्वायर किया हुआ है, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। ऐसे इसको देख लो, एक प्लस नौ प्लस तीन प्लस पांच, ये कितना हो रहा है? 18। 18 का स्क्वायर हो रहा है 324। 18 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 324 हो रहा है। चलो नेक्स्ट, देखो अगर ये बीच वाली संख्या हम लोग बना सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को दोस्तों, फटाफट से जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे गाइस, जल्दी से देखिए इधर, अगर मैं इसको शेयर कर, इसको ये बीच वाली जो संख्या है इसको मैं बना सकता हूं, देखिए कैसे, जो ऊपर वाला 93 है, इस 93 में से अगर मैं 27 और ये जो 3 है, ये जो 27 और ये जो 3 है इसको माइनस कर दूं, यानी कि 93 में से अगर 30 को माइनस कर दूं, तो देखिए बीच वाला आ गया 63 आ गया, आ गया कि नहीं? आ गया भाई 63। इसी तरीके से लास्ट वाले को देख लेना, इसको मैं बना सकता हूं, इसका मतलब 42 को बना सकते हैं। तो अगर 67 में से 16 माइनस एक्स करूं तो ये होना चाहिए 42। तो 67 माइनस 16 माइनस 42 इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 67 में से माइनस कर दो, ये 8 और ये 5, 58। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 9 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 9 के। बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी से करके बताएंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस अगर आपको लॉजिक पता है तब वो आसान है, अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो आप लोगों को नोट करने की आवश्यकता है और बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठकर आएंगे। अब आप लोग देख लो कि आपको कितनी मेहनत करनी है, डेली अपनी क्लास होती है 6:30 बजे, ठीक है? शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को, जल्दी से फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे भाई, ठीक है? और सभी बच्चे दिल से लाइक कर देंगे साथ ही साथ सेशन को, अच्छा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है, मजा आना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करते टाइम अगर आपको मजा आ गया तो मैं कह रहा हूँ चीजें आसान हो जाएगी। देखिए 25 और 17 इन दोनों को ऐड करते हैं अगर एक बार, 25 प्लस 17 तो ये बनाएगा 42, और अगर 42 में 7 का भाग लगा दें तो ये आ जाएगा 6, ऐसे ही 89 प्लस 16 ये हो जाएगा 105, 105 डिवाइड बाय 7 कर लो एक बार, कितना आ जाना चाहिए? 15 आ जाना चाहिए, तो बिल्कुल 15 आ रहा है भाई, 15 अपना आंसर आ रहा है। बाहर वाली संख्याओं को ले लो एक बार, 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 7, 8 और 6 कितना होता है? 14 होता है, 14 और 4 18, 18 और 7 दोस्तों ये हो गया 25, तो बहुत बढ़िया भाई, रूट 25 आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो ऐसा ही लॉजिक इसके अंदर लगा लीजिए, 10 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 14,
ये हो रहा है 49 और रूट 49 होता है 7। रूट 49 क्या होता है? 7 होता है। चलिए नेक्स्ट, दो प्लस दो प्लस आठ प्लस एक, ये हो रहा है आपके पास में 13, और 13 का स्क्वायर माइनस 1 किया हुआ है, तब जाके क्या बना है आपका 168। तो ऐसे ही देख लो, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो गया, 5 और 5 10 और 4 14 हो रहा है। तो यहाँ क्या बनाएंगे, 14 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा, 195। सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जल्दी से करते जाएंगे भाई, स्पीड से करते जाएंगे, समय नहीं खराब करना है, आराम से चीजों को करते जाओ। ये 25 है, 4 है, 5 है, और सॉरी 50 है, 4 है, 5 है, बीच में 28, 2 और 3 है। देखिए इधर, अगर 2 और 3 को साथ में लिखें तो ये क्या बनाएगा, 23। 2 और 3 से मिलकर क्या बनेगा भाई, 2 और 3 से मिलकर बनेगा 23, और इस 23 में हम 2 प्लस 3 को ऐड कर लें, तो 23 प्लस 5 कितना हो गया, 28। ऐसे इसको देख लो, ये 3, ये 5, 3 और 5 से क्या बनेगा, 35, और 35 में क्या ऐड कर देंगे, 3 प्लस 5, तो 35 प्लस 8, 35 प्लस 8 कितना हो गया, 43। नहीं यार, कुछ और लॉजिक चल रहा है इसके अंदर। अच्छा, 2 प्लस 3 वाला 5 नहीं है, नॉर्मल 5 ही ऐड किया है इसके, नॉर्मल 5 ऐड करके देखो एक बार। एक नॉर्मल काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो 2 प्लस 5 किया हमने, तो पीछे 3 प्लस 5 ना करके नॉर्मल 5 अगर ऐड करें तो 40 आपको ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही है। आप नॉर्मल 5 ही ऐड करो बस, मतलब जो इन दोनों को संख्या बनाया और इसमें 5 ऐड किया, तो ये आ जाएगा 28, यानी इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40, बिल्कुल 40 आंसर आ रहा है, सही है, 40 ऑप्शन में दे रखा है, 43 तो नहीं दे रखा था, 40 दे रखा है, तो बिल्कुल सिर्फ 5 ऐड करिए। चलिए दोस्तों, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन से, मैंने कहा ना ट्राइंगल वाले ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ये अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, जब संख्याएं कुछ ज्यादा ही बड़ी हो, कुछ बड़ी संख्याएं दिखे, तो सबको ऐड करके देख लिया करो एक बार, 87 प्लस 13 ये हो गया 100, 100 प्लस 74, 174 प्लस 26 ये हो गया 200, ये हो गया 200। ऐसे ही 41 प्लस 17 प्लस 44 और 98, इन सबको ऐड कर लो, 80 और 5 कितना हो गया, 85, 85 और 115 ये हो गया 200, 200 हो रहा, तो सबका सम 200 होगा, तो इसको भी ऐड करके देख लो भाई, 78 और 42 ये हो गया आपके पास में 120, 150, 158, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 42 आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा, 42। चलिए नेक्स्ट, मजा आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, और देखिए 88 बनाना है तो 11 8 88 होता है, लो खत्म हो गई भाई पिक्चर, 11 8 जा 88 बन जाएगा, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, ठीक है, 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 11, और इसका गुणा कर लो 5 प्लस 3 में, तो 11 इंटू 8 कितना हो गया, 88। ऐसे ही इसको देख लो,
सात प्लस आठ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, पांच प्लस तीन पंद्रह इंटू आठ कितना आ रहा है 120, 120, 15 आठ 120। चलिए नेक्स्ट, अट्ठाईस बनाना है, पंद्रह और छः, अगर दोस्तों इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं टू को, ऐसे तो अट्ठाईस नहीं बनेगा, नौ दस, दस का अट्ठाईस तो नहीं बना सकते, और ऐसे ही ग्यारह और सोलह, ग्यारह और छः सत्रह, तो देखो इधर अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं वन से, इसको मल्टीप्लाई कर दूं टू से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं फोर से, तो देखिए आएगा टू ये सिक्स प्लस बीस कितना हो गया, ये अट्ठाईस हो गया। ये इंटू वन इंटू टू इंटू फोर, छः कम छः सात दूनी चौदह, चार चौक सोलह, तीस और छः कितना हो गया छत्तीस, ये छत्तीस हो गया। इसको देख लो नाइन इंटू वन, ये इंटू टू, ये इंटू फोर, नौ प्लस चार प्लस बारह, बारह और नौ इक्कीस, इक्कीस और चार कितने होते हैं पच्चीस, ट्वेंटी फाइव आ रहा है भाई, ये तो ट्वेंटी फाइव आ रहा है, फिर 25 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहां पर एक लॉजिक यहां पे ये लगा सकते हैं, देखिएगा इधर एक काम करते हैं हम लोग, ये जो लॉजिक है सबसे छोटे वालों में अप्लाई करते हैं, जैसे इसको 1 से किया, इससे बड़े वाले को किससे किया हमने 2 से किया, और सबसे बड़े वाले को 4 से किया, तो इसी तरीके का लॉजिक लगाते हैं, एक दो चार, एक कम से करके देख लेते हैं यार, और तो क्या, एक कम, जैसे एक कम भी ले सकते हैं अपन यहाँ पे, एक कम ले लो, सही है, दो में से एक कम गया तो एक है ना, उससे मल्टीप्लाई किया, तीन से दो, इससे एक कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी देख लीजिए अगर उससे एक कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर ऐसा लगाएं तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। देखिए मैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अपन को अप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ 28 बनाने के तो बहुत सारे तरीके आ रहे हैं, तो क्या ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, क्या एक कम कर दूं, फिर इससे एक कम कर दूं चार से एक कम तीन, छह से एक कम कर दूं पांच, तो क्या ये लॉजिक लग रहा है, देखिए साचंग बयालीस, बयालीस प्लस तीस प्लस बारह चार और ये आठ, बिल्कुल 84 बन रहा है, ऐसे इसको देख लो, ये एक कम, ये एक कम, ये बहत्तर, ये छः, ये दो, दस का जीरो हासिल का एक, कितना हो गया 80, बिल्कुल 80 तो आंसर आ रहा है भाई, 80 यहाँ पे परफेक्ट आंसर आ रहा है, सही है, 80 इज द करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्तों फटाफट से इस क्वेश्चन को करके बताएं। ये तो बहुत ही सिंपल है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 घटा दो इसमें से, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 25 माइनस 4 कितना आ गया, 30 आ गया। तो सेम टू सेम लॉजिक लाएंगे यहाँ पे, 6 और 3 ले लो, 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करके तो 36 प्लस 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 36 और 9 हो गया आपका 45, 45 माइनस 49 कितना आ जाएगा, -4 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग घर पे करेंगे आराम से बैठ के, ठीक है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आराम से करिए। तो पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड कर लेनी है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर में दे रहा हूँ, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले ज्वाइन कर लेंगे और आज रात 8 बजे आप लोग मुझसे बात भी करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ये जो ग्रुप है इस पर मैं लाइव आऊंगा 8 बजे और आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। आपकी जो भी समस्या है वो आप लोग मुझे डिस्कस कर सकते हैं 8 PM पे नाइट को, नाइट 8 PM, और पीडीएफ भी आपको यहां से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग एसएससी कैटेगरी के अंदर बैच ज्वाइन कर लीजिए, बैच 2 बैच एक साथ चालू हो गए हैं, एक तो सुबह 8 बजे बैच चालू हो गया है, ठीक है, 8 AM पे नॉन वर्बल रीजनिंग का आज से ही चालू हुआ है, और लॉजिकल रीजनिंग का बैच चालू हो गया दोस्तों 11 बजे, एक ऐसा बैच जो आपकी सोच से बिल्कुल परे है, मैं कह रहा हूं इससे बेस्ट बैच दोस्तों ना आपने कभी जिंदगी में देखा होगा और ना कभी देखेंगे, क्योंकि 20,000 क्वेश्चंस के साथ में आपको लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि आपको पता है कि 4 दिन या 5 दिन का टॉपिक होता है, पूरी लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग पूरे 1 महीने तक पढ़ाने वाला हूँ, 2 घंटे लगातार, ठीक है, 8 से 9 और 11 से 12, ठीक है। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, उसे इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में आप अपने आप को लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में आप अपना गोल चूज करेंगे, ठीक है। गोल चूज कर लिया आपने, एसएससी एग्जाम कैटेगरी अपना गोल चूज कर लिया, उसके बाद में दोस्तों जैसे आप लोग एसएससी एग्जाम कैटेगरी चूज करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद में एक मॉड्यूल आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, एक मॉड्यूल सेलेक्ट करने के बाद में वो पूछेगा एंटर रेफरल कोड, तो उस एंटर रेफरल कोड में आपको Deepu10 रेफरल कोड लगाना है और उसे अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे Deepu10 रेफरल कोड लगा के, तो लिखा हुआ आ जाएगा रेफरल कोड अप्लाइड, जैसे रेफरल कोड अप्लाइड लिखा हुआ आ गया तो आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं, छोटा सा तरीका है आराम से ज्वाइन करने का, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, ऑल सब्जेक्ट प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से मेहनत करिए और आपको PDF, डाउट सेशन, डायरेक्ट इंट्रेक्शन, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, सारी चीजें आपको मिल जाएगी Deepu10 रेफरल कोड लगाकर, ठीक है गाइस। तो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पर, दीपक तीर्थयानी के नाम से मेरी प्रोफाइल है, DEEPAKTIRTHYANI, दीपक तीर्थयानी आप लोग सर्च करेंगे और फॉलो कर लेंगे, ठीक है गाइस। ओके धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।